नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता अग्निहोत्री बृहस्पति पीजी कॉलेज की ध्वनिगर कानपुर में एडिशनल प्रिंसिपल और इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 311 की ZPC एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कानपुर चौक। आज एक अपील है, अपील लेकर आप सब लोगों के सामने आई हूँ। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते। सच है, जो ज्ञान का प्रकाश है उस ज्ञान के प्रकाश से परिवार, घर, समाज, देश और विश्व सभी रोशन होता है। मैं ये नहीं कहती चिरागों से रोशनी नहीं होती, लेकिन वो चिराग अगर ज्ञान का दीपक है तो उस ज्ञान के दीपक से कई दीपक ज्ञान के जल जाते हैं। जब इतना महत्वपूर्ण ये शिक्षा शब्द है, ये ज्ञान शब्द है, तो इसके महत्व को हम कैसे नकार सकते हैं? अपनी बात शुरू करने से पहले बात शुरू करती हूँ एक घर की। घर जिसपे पूरा परिवार रहता, जिसपे लोग रहते हैं, बंधन से जुड़े हुए हों, प्यार से जुड़े हुए हों, वो घर घर बन जाता है। लेकिन जो घर बनता है जब दीवार से, जिसकी जो नींव होती है, जब मकान बनता है उसकी नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही मजबूत होगा। घरों में रिश्तों की नींव जितनी मजबूत होगी वो घर उतना ही सुखी होगा। उसी तरह से शिक्षा की नींव जितनी प्राथमिक स्तर पर, जितनी बच्चों की मजबूत होगी, इमारत उसी पर खड़ी होगी, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा की हो और चाहे वो उच्च शिक्षा की हो। नींव दिखाई नहीं देती है, मकान के अंदर की नींव नहीं दिखाई देती है, लेकिन मकान की मजबूती, मकान की ऊंचाई बताती है कि नींव कितनी गहरी है। रिश्तों की नींव पता चलती है परिवार के सदस्यों के आपस के प्रेम सुख दुख में जब सब एक साथ खड़े होते हैं। उसी तरह से शिक्षा की भी नींव पता चलती है जब बच्चा उच्च शिक्षा में आता है, उच्च शिक्षा के बाद जब जॉब करता है तो पता चलता है कि उसकी ज्ञान की नींव कितनी मजबूत है। बेस तो हमारा प्राथमिक शिक्षा ही। अगर हम 1, 2, 3, 1, 2, 3 ना सीखते, 1 से लेकर 9 तक विद्या ना सीखते, ए से लेकर जेड तक, आ से लेकर ज्ञान अगर नहीं आता तो क्या हम आगे बढ़ सकते थे? चाहे हम कितने टेबल्स याद कर लें, चाहे कितने कटारा याद कर लें, लेकिन अगर हमें गिनती ही नहीं आती तो क्या हम आगे बढ़ सकते थे? कहने का तात्पर्य ये कि जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन इतनी महत्वपूर्ण है तो आज हम अनदेखी कैसे कर रहे हैं? आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि मैम क्या बात कर रही हैं, प्राइमरी स्कूल खूब है, प्राइवेट स्कूलों में तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए तो सारी सुविधाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे 2 साल 2.5 साल के बच्चे जाने लगते हैं स्कूल में, सीखने लग जाते हैं। लेकिन क्या उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग ही है, निम्न वर्ग नहीं? जो हमारे सरकारी स्कूल खोले गए हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कहीं पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिनके माता पिता नहीं पैसा इतना खर्चा कर पा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में वो अपने बच्चों की पढ़ाई कर सके, तो उन स्कूलों में, मैं सरकारी स्कूल की बात नहीं करी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, मैंने भी बचपन में 12th तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की,
लेकिन जब आज स्थिति देखते हैं, क्योंकि एक एनजीओ से इनर व्हील से संबंधित हूँ, कई स्कूलों में कई जो कि प्राइमरी है और जूनियर हाई स्कूल, वहाँ की सिचुएशन देखिए तो जाकर क्या वहाँ के हर बच्चे के माँ बाप के पास में स्मार्टफोन होगा? क्या वहाँ का हर बच्चे के माता पिता अंग्रेजी बोल पाते? क्या वहाँ के हर बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा पाते? क्या वहाँ के माता पिता उन स्कूलों के, मैं अधिकतर की बात कर रही हूँ, फिर मैं अपनी बात को रोक रही हूँ कि वहाँ के माता पिता जो बच्चों को ऑनलाइन, अगर है भी मोबाइल, जो ऑनलाइन काम मिलेगा, क्या वो दे सकते हैं? हम इस सब में कि पढ़ाई बच्चों की डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन स्कूलों की भी बात नहीं कर रही हूँ कि जिन कॉलेज में पढ़ाई, जहाँ पे 200, 250, 1000, 1500 बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जो फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक है। बात मैं उन स्कूलों की कर रही जो आज भी, आप भी अपने कानपुर नगर में, आपके ब्लॉक में, आपके घर के आसपास स्कूल ऐसे हैं, जरा जा करके तो देखिए क्या वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्या हम उनको जोड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि टीचर्स जोड़ना नहीं चाहती, लेकिन टीचर्स जोड़े कहाँ जब माता पिता के पास में मोबाइल नहीं है। ये कह देना या हम ये कह दें, जैसे मैं ही हूँ उच्च शिक्षा में, मैंने अपने ग्रुप में बना रखा है, लेकिन क्या हर बच्चा जुड़ा? जबकि उच्च शिक्षा में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक के पास में फ़ोन होगा, लेकिन क्या उनका वो फ़ोन उतना आगे है, उस स्पीड पे है? तब भी नहीं होगा। तो वो उन स्कूलों के बच्चों की हम कल्पना क्यों नहीं कर रहे हैं? आज लॉकडाउन में हम उन बच्चों के बारे में चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल ये कह देना कि हाँ हमने जोड़ लिया है। क्या हमारा दायित्व एक टीचर के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, अगर हम किसी क्लब से जुड़े हुए, पूरा हो जाता है? नहीं, हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके हमें और रास्ते निकालने हैं। इस महामारी के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि उन बच्चों को जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके माता पिता के पास स्मार्टफोन नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हम उनका कोर्स कैसे पढ़ें? उसके लिए एक रास्ता है, हो सकता है सभी कॉलेज के या जो टीचर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने केवल कोई भी बस्ती है, कहीं के भी बच्चे आते हैं, हमारे घर के आसपास के लोग तो आते हैं, अगर हम एक एक दो दो बच्चों को जो उन स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और नहीं जा पा रहे हैं, क्या हम उनका इस टाइम पर कोर्स पूरा नहीं करा सकते? आधा घंटा देना पड़ेगा, एक घंटा देना पड़ेगा। छोटे बच्चों को पढ़ाना टेढ़ी खीर, उच्च शिक्षा को बच्चों को पढ़ाना आसान है, ये मेरा अपना विचार है। क्योंकि जब हम बच्चों को अंक ज्ञान कराते हैं, जब हम बच्चों को टेबल्स याद कराते हैं, जब हम बच्चों को गिनतियाँ याद कराते हैं, जब हम बच्चों को वाक्य बनाना सिखाते हैं, जब हम बच्चों को गणित के सूत्र बताते हैं, जो जहाँ से नींव खड़ी होती है, बहुत कठिन होता है। तो अगर उन बच्चों को, और विशेषकर जो बीएड के बच्चे हैं और बीए बीएससी के बच्चे भी, ट्वेल्थ के बच्चे भी, सिक्स सेवन्थ एट्थ या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक ये जनसेवा कर लीजिए, अपने आप की संतुष्टि के लिए कर लीजिए कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएं, उनका देखें उनका क्या काम रह गया है और उनको पढ़ाएं। नहीं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन जब स्कूल खुलेगा तो उनके हाथ में पढ़ाई होगी। हमें कथनी और करनी में अंतर करना पड़ेगा। हमें नहीं समझना होगा कि हर बच्चा का घर एक जैसा है। हमें उनकी स्थिति को, उनके वातावरण को, उनके परिवेश को समझना होगा। हो सकता हमारे जैसे टीचर्स जो प्राइमरी या उसमें हैं, कुछ लोग जहाँ पे 1000 बच्चा, 1200 बच्चा, 250 बच्चे भी होंगे, आपके 100-200 बच्चे जुड़ गए होंगे, लेकिन उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 50-52 बच्चे जहाँ पर, जिन स्कूलों में जहाँ पे 100-150 बच्चे, कितनी जुड़े हैं,
और 100-150 में अगर हम 10-12 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं तो उन बच्चों के साथ अन्याय है। केवल एक निवेदन है, केवल एक अपील है आप सभी से कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें और अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको निसंकोच पढ़ाएं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों को, दो बच्चों को पढ़ा, ज़्यादा बच्चों को नहीं, क्योंकि उन बच्चों को हम एक रास्ता दे सकते हैं, उनका वर्क करा सकते हैं। बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, लेकिन तब भी उनका अध्ययन करना जरूरी है। जो उनका कोर्स रह गया था उसको पूरा कराना जरूरी है। केवल क्लास मिलना ही पूरी बात नहीं है। अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आज मुझे ये बात का भी चुभी, क्योंकि जिन्होंने मुझसे बात करी, फ़ोन से बात नहीं करी, और एक आम भाषा में कि मैडम और बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उनको बताया कि सरकार ने क्लास दे दी है, मत परेशान होइए कि वो पास नहीं होंगे, उन्हें अगली कक्षा मिल जाएगी, लेकिन पढ़िए कैसे, हमारे पास तो फोन नहीं है। वो बात दिल को चुभी है, इसीलिए आज आप लोगों से ये बात साझा की। आशा है कि आप सब लोग इस अपील पर मेरा साथ देंगे, और बच्चे, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में भी डालूंगी, उनको प्रोजेक्ट जो मैंने दिया है उसके बारे में जानकारी भी लूंगी, आप सभी लोग ऐसे बच्चों पर जिनके पास मोबाइल नहीं है उन पर प्लीज़ ध्यान दें। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।